अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INKU। तो आज की जो अपडेट है वो है कि जो पंजाब के सरकारी असाज़ा हैं उनका तमाम कैटेगरीज़ का जो ई ट्रांसफ़र शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो वो नोटिफिकेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INKU को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक बरवक्त पहुंचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ या नोटिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वीडियोज़ के फॉर्म में जो आपके साथ बरवक्त शेयर की जाती है। अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और आपको उस नोटिफिकेशन की तरफ, उस शेड्यूल की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि पंजाब में सरकारी असाज़ा के ई ट्रांसफ़र के हवाले से जो व्यूअर जारी किया गया है। तो अब मैं बिला तख़ीर वो शेड्यूल जो है आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में जो है बताने लगा हूँ। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 27 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन है और पंजाब में तमाम सीयूज़ की तरफ है। इसमें ओपनिंग ऑफ ई ट्रांसफ़र राउंड तमाम कैटेगरी देखें, इसमें ये बताया गया है कि इसमें वेटिंग पोस्टिंग ऑफिसर्स और कैटेगरीज ऑफ टीचर्स, टीचर यानी प्रमोटेड टीचर भी हैं, डाइवोर्स, विडो, वेडलॉक, मैरिज, डिसबिलिटी, मेडिकल, म्यूचुअल एंड ओपन मेरिट ट्रांसफ़र का शेड्यूल है। तमाम सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टैग करने के प्रमोटेड टीचर्स को सिस के ऊपर ओपनिंग ऑफ सिस राउंड जो है वो उसकी ओपनिंग से पहले, उसको खुलने से पहले। तो इसमें ये जो कैटेगरीज हैं, डेट ऑफ अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ये 28 से लेकर 6 अगस्त तक है, यानी 28 कल जुमा है तो इससे लेकर 6 अगस्त तक है और वेरिफिकेशन जो है वो 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक होगी और अपील जो है वो 10 से लेकर 12 अगस्त तक होगी और डिसीजन जो होगा वो 13 से 15 तक होगा और आर्डर जो है वो 17 अगस्त को इशू किए जाएंगे। बताया गया कि टीचर जो है जो डिप्यूटेड किए गए हैं इलेक्शन ड्यूटीज़ पे तो बाउंड होंगे उसी स्टेशन पर जिस पे पहले उनके आर्डर जो है वो किए गए थे, जो ट्रेनिंग की गई थी, और कंसर्न हेड टीचर डिप्टी डी ओ सी ओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह जो नॉन कम्प्लेंट्स हो गई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उन वो पीडेक के तहत जो वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके अलावा वेटिंग पोस्टिंग टीचर जो हैं वो अप्लाई करेंगे सिस पर पोस्टिंग, इन केस ऑफ नॉन कम्प्लियंस देयर इंटरवीनिंग वेटिंग पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज लीव एंड काइंड ड्यू इंस्टेड ऑफ पे पर्पस। इसी तरह आर प्रमोटेड टीचर ऑफिसर जो हैं उनको डायरेक्शन जारी की गई है कि वो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस यूज़ करें एक्चुअलाइजेशन और प्रमोशन के लिए सिस के ऊपर, और अगर वो इस तरह नहीं करते हैं तो फिर उनको एडजस्ट किया जाएगा जहाँ पर स्कूलों में सीटें जो खाली पड़ी हैं और उनकी ज़रूरत है। नीचे डायरेक्टर मीटिंग के सिग्नेचर भी हैं। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।